हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू द एग्जाम टॉपर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे द एग्जाम टॉपर्स परिवार में। जैसा कि हमारी एनटीपीसी और ग्रुप डी आरआरबी के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वन डायर इफेक्ट होते हैं, जिनके बारे में हम डेली डिस्कस करते हैं। और ये आरआरबी ही नहीं अपितु जितनी भी एग्ज़ाम होती हैं उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं, क्योंकि इन फैक्ट में से अक्सर हमें कई क्वेश्चन देखने को एज इट इज़ मिलते ही हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। शुरू करते हैं पहले फैक्ट से। पहला फैक्ट है, नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर अवस्थित है। नेशनल वुड फॉसिल पार्क, यहाँ पर फॉसिल पार्क हमें सिर्फ याद नहीं है, यहाँ पर पूरा नाम याद रखना है। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर है, तो फॉसिल पार्क राजस्थान के जैसलमेर में है। वहीं दूसरा बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट आता है कि पीतल के बर्तन के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर विख्यात है या फेमस है। तो पीतल के बर्तन के लिए उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद ज़िला काफ़ी फेमस है, जहां पीतल के बर्तन काफ़ी अच्छी क्वालिटी के बनाए जाते हैं। अगला आता है अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र किस स्थान पर है। तो अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र गुजरात के अहमदाबाद में है। गोवा की आधिकारिक भाषा कौन सी है। गोवा जो कि स्टेट है महाराष्ट्र के नज़दीक, उसकी आधिकारिक भाषा या प्रमुख भाषा कौन सी है, तो वहाँ की कोंकणी है। और उसी क्षेत्र में गोवा महाराष्ट्र वाले बेल्ट में ही कोंकण रेलवे भी एक रेलवे का महत्वपूर्ण जोन है। अगला आता है, हम सभी ने नाम सुना ही है प्रयाग, तो प्रयाग किसका पुराना नाम है, तो प्रयाग इलाहाबाद का ही पुराना नाम है। इसके अलावा महाबोधि मंदिर बोधगया में है और सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। कहाँ पर, गुजरात के सोमनाथ में है सोमनाथ मंदिर। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट आता है कि इंदिरा गांधी बॉटनिकल गार्डन कहाँ पर अब स्थित है, या इंदिरा गांधी बॉटनिकल गार्डन कहाँ है। तो इंदिरा गांधी बॉटनिकल गार्डन उत्तर प्रदेश के रायबरेली में है। कहाँ पर है, रायबरेली में है। वहीं इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है, तो इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन, ट्यूलिप के हमने बहुत ही शानदार छोटे छोटे से फूल होते हैं, हमने अक्सर मूवियों की शूटिंग देखी है, वहीं पर होती हैं, तो ये कहाँ पर, श्रीनगर में है। तो दोनों फैक्ट कवर अप करना है, साथ में हमें याद रखना है इंदिरा गांधी बॉटनिकल गार्डन रायबरेली में है, वहीं इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में है। अगला आता है कि भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ है। निम्नलिखित में से भारतीय शोध संस्थान कहाँ है, तो यह वाराणसी में है। कहाँ पर है, वाराणसी, जिसे बनारस के नाम से भी जाना जाता है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर मैसूर है। अगला आता है, योगिनी संप्रदाय की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है। योगिनी संप्रदाय की उत्पत्ति कहाँ से हुई है या किस राज्य से हुई है, तो उड़ीसा से हुई है, और उड़ीसा को ही आज ओडिशा के नाम से जाना जाता है। अगला फैक्ट आता है कि गर्मी में जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ होती है। तो गर्मी में जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर व ठंड में जम्मू होती है। लेकिन अब वह यूटी हो गई है, तो अब इसका कार्यक्रम ही समाप्त हो गया है, लेकिन फिर भी हमें इन फैक्टों को याद रखना होगा, क्योंकि हमसे कभी भी किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला आता है, श्रवण बेलगोला कहाँ पर है, या किस राज्य में श्रवण बेलगोला नामक स्थान है। तो यह कर्नाटक में है। वहीं एक जल्लीकट्टू खेल हम सभी ने नाम सुना है, जिस जो काफ़ी चर्चा में भी रहा है कुछ समय पहले। तो जल्लीकट्टू खेल है, यह किस राज्य से संबंधित है। तो जल्लीकट्टू खेल जो है, यह तमिलनाडु से संबंधित है। और इसरो का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। कहाँ पर है, बेंगलोर में है। अगला आता है, भरतपुर पक्षी अभयारण्य का नया नाम क्या है और यह कहाँ पर अवस्थित है। भरतपुर पक्षी अभयारण्य का नया नाम क्या है, केवला देव घाना राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर पक्षी अभयारण्य का ही नया नाम है, और यह कहाँ पर है दोस्तों, तो यह राजस्थान में है। अगला आता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पर है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में है, और चार मीनार हैदराबाद में आती है। अगला आता है, मुगल काल में सूरत बंदरगाह को किस नाम से जाना जाता था। मुगल काल में सूरत बंदरगाह को किस नाम से जाना जाता था, तो मुगल काल में सूरत बंदरगाह को काबुल का मक्का, काबुल का मक्का के नाम से जाना जाता था, काबुल का मक्का कहा जाता था। अगला आता है, राजपूत राज्य मेवाड़ की राजधानी कौन सी रही है या कौन सी थी। राजपूत राज्य मेवाड़ है, उसकी राजधानी चित्तौड़ थी। और नेवेली ताप विद्युत स्टेशन या विद्युत ग्रह किस राज्य में है, तो नेवेली ताप विद्युत ग्रह या विद्युत स्टेशन तमिलनाडु में है। वहीं बहुत ही महत्वपूर्ण आता है, नामदफा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है।
नामदफा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो नामदफा वन्य जीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में है, और अरुणाचल प्रदेश को ही पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। अगला आता है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र मैसूर में है। वहीं केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र चेन्नई में है, कानपुर बिल्कुल भी गलती से भी टिक नहीं करना है। अगला आता है, सलाल परियोजना किस नदी पर है? सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सलाल परियोजना चिनाब नदी पर है। कहाँ पर? चिनाब नदी पर है। और भारत में काजू उत्पादक अग्रणी राज्य, काजू का उत्पादन करने वाला सबसे अग्रणी राज्य केरल है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से माना जाता है या कहाँ पर है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से गोदावरी नदी का उद्गम स्थल माना गया है, और त्र्यंबकेश्वर में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग भी है। अगला आता है कि सबसे बड़ी संख्या में लोकसभा सांसदों को भेजने वाला राज्य कौन सा है? यह सर्वाधिक लोकसभा सांसद या सांसद की संख्या किस राज्य से भेजी जाती है? तो हमें याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा तादाद में लोकसभा सांसदों को भेजा जाता है, और उसके बाद महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें होती हैं। अगला आता है कि उत्तर प्रदेश का लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व रहता है। पूरे भारत की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व राज्य का रहता है उत्तर प्रदेश का, इसलिए उत्तर प्रदेश के चुनाव सबसे अहम चुनाव माने जाते हैं पूरे भारत में। अगला फैक्ट आता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम जिसे IIP के नाम से जाना जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम IIP, हमें फुल फॉर्म भी याद रखना है, यह कहाँ पर स्थित है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। कहाँ पर है? देहरादून में है। और SBI का तो हम सभी ने नाम सुना ही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका वित्तीय मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ पर? मुंबई में है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? तो जयपुर, जो कि राजस्थान की राजधानी है जयपुर, उसे ही भारत का पेरिस कहा जाता है, और हवा महल भी जयपुर में ही है। अगला आता है, बैरीनाग झील कहाँ पर है? तो बैरीनाग झील जम्मू कश्मीर में है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर किस राज्य में है? तो गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, लेकिन यह किस राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। अगला आता है, गंगा सागर प्रोजेक्ट किस राज्य में संचालित है? तो गंगा सागर प्रोजेक्ट उत्तराखंड में संचालित है, या उत्तराखंड राज्य में है। अगला आता है, कल्पक्कम का हमने सभी ने नाम सुना है, तो कल्पक्कम नामक जो स्थान है किस राज्य में है? तो कल्पक्कम तमिलनाडु में है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ पर? इलाहाबाद में। अगला आता है, मर्मगांव बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? मर्मगांव बंदरगाह गोवा में है। कहाँ पर है दोस्तों? गोवा में है। और भारत के नागालैंड राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या सबसे अधिक या प्रतिशत में सबसे अधिक है? तो भारत में ईसाइयों की जनसंख्या प्रतिशत के मामले में सबसे अधिक किस राज्य में है? तो यह नागालैंड में है। और भारत की प्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ पर हुई थी या किस शहर में हुई थी? तो भारत की पहली नगर पालिका या प्रथम नगर पालिका की स्थापना चेन्नई में हुई थी। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? चेन्नई में हुई थी। अगला आता है, संथालों की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? संथाल जो कि जनजाति है, तो ये संथालों की जनसंख्या सर्वाधिक किस राज्य में है? तो झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या में संथाल पाए जाते हैं। अगला आता है, भारतीय वनस्पति उद्यान जिसे इंडियन बॉटनिकल गार्डन भी कहा जाता है, और यह कहाँ पर स्थित है? आई होप कि आप सभी को पता होगा, भारतीय वनस्पति उद्यान इंडियन बॉटनिकल गार्डन पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में है। कहाँ पर? कोलकाता में है, और कोलकाता को ही कलकत्ता भी कहा जाता है। अगला आता है, सहरिया या सहारिया शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? सहारिया शास्त्रीय नृत्य असम का है। कहाँ का है? असम का है। और सबसे शहरीकृत राज्य कौन सा है दोस्तों? तो सबसे शहरीकृत राज्य गोवा है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बुद्ध स्मृति पार्क कहाँ पर स्थित है? बुद्ध या बुद्धा स्मृति पार्क कहाँ पर स्थित है? तो यह बिहार की राजधानी पटना में स्थित है, बुद्ध स्मृति पार्क। अगला आता है, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है?
साहित्य अकादमी का हम सभी ने नाम सुना है, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी होते हैं, तो साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहाँ पर है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय जादूगोड़ा, कहाँ पर? जादूगोड़ा में है। अगला आता है हिमालय पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर है? हिमालय पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर है? तो यह दार्जिलिंग में है। कहाँ पर? दार्जिलिंग। और दार्जिलिंग की प्रसिद्ध दार्जिलिंग टी है, जिसे जीआई टैग भी दिया गया है। ठीक है, अगला आता है उपग्रह प्रक्षेपण स्टेशन श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? श्रीहरिकोटा क्या है? उपग्रह प्रक्षेपण स्टेशन है और यह आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। अगला आता है कूका आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? यह कूका आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो कूका आंदोलन पंजाब में शुरू किया गया था। कहाँ पर हुआ था शुरू? पंजाब में हुआ था। अगला आता है कोयना बांध, जो कि कोयना नदी पर है। कोयना बांध कोयना नदी पर है, तो यह किस राज्य में है? तो कोयना बांध महाराष्ट्र में है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर स्थित है? हम जितने भी फैक्ट कर रहे हैं, अक्सर इसमें से आपको लगभग लगभग सभी प्रश्न, सभी प्रतियोगी परीक्षा, चाहे किसी भी राज्य की हो, चाहे स्टेट लेवल हो या नेशनल लेवल की, सभी परीक्षाओं में से आपको अधिकतर प्रश्न देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसलिए इन सभी वीडियोस को आप अवश्य और पूरे एंड तक जरूर देखें। तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद में है। बौद्धों का प्रमुख तीर्थ केंद्र या तीर्थ स्थल कहा जाने वाला कुशीनगर नामक स्थान किस राज्य में है? बौद्धों का प्रमुख तीर्थ केंद्र या तीर्थ स्थल कुशीनगर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। और आमेर का किला, हम सभी ने नाम बहुत अच्छे से सुना है, आमेर का किला जो कि कहाँ पर है दोस्तों? तो राजस्थान के जयपुर में है आमेर का किला। वहीं राजस्थान से जुड़े और भी फैक्ट को कवर अप कर लें कि राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कठपुतली है। क्या है? कठपुतली है। इसके अलावा नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य भी कहाँ पर है? नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य जयपुर में है। और जूनागढ़ का किला, जूनागढ़ जो कि पहले एक रियासत भी रह चुका है, लेकिन वो हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जूनागढ़ के किले की। तो यह कहाँ पर है? जूनागढ़ का किला है राजस्थान के बीकानेर में। अगला आता है कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन। क्या नाम है? कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन तमिलनाडु में है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। और अगला बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट आता है डायमंड हार्बर। डायमंड हार्बर किस शहर का भौगोलिक उपनाम है? तो डायमंड हार्बर कोलकाता का ही भौगोलिक उपनाम है। कहाँ का? कोलकाता का है। अगला आता है नरोरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन किस राज्य में है? नरोरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश में है। रुद्र सागर एवं लकवा तेल क्षेत्र, हम सभी ने डिगबोई का तो नाम सुना ही है, लेकिन इसके अलावा रुद्र सागर एवं लकवा तेल क्षेत्र कहाँ पर है? तो यह भी असम में ही है। अगला आता है राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में स्थित है राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान। अगला आता है मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान राष्ट्रीय संस्थान का मुख्यालय, या मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? बेंगलुरु में मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान राष्ट्रीय संस्थान। और अगला फैक्ट आता है कि भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य से की गई है? यह पूरे भारत में सबसे पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर लागू की गई थी? तो यह राजस्थान के नागौर जिले में प्रारंभ की गई थी। कहाँ पर? राजस्थान में। और राजस्थान के किस जिले में? नागौर जिले में प्रारंभ की गई थी। तीन प्रमुख बौद्ध स्थल आते हैं, रत्नागिरी, ललितगिरी और उदयगिरी। तो ये सभी किस राज्य में स्थित हैं? कौन कौन से तीन प्रमुख बौद्ध स्थल हैं? रत्नागिरी, ललितगिरी और उदयगिरी। ये सभी कहाँ पर हैं? तो यह उड़ीसा में स्थित हैं। अगला आता है फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान कहाँ पर है? फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान महाराष्ट्र के पुणे, या जिसे पुणे कहा जाता है, वहाँ पर स्थित है। अगला आता है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? तो मेघालय में है। और चिराव, नॉट अन्य कुछ और मत समझ लेना, चिरांद वगैरह कुछ नहीं है, चिराव की बात कर रहे हैं। तो चिराव एक बांस नृत्य होता है, यह किस राज्य से संबंध रखता है? तो चिराव बांस नृत्य मिजोरम राज्य का नृत्य है। अगला आता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन का मुख्यालय कहाँ है?
ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन ONGC का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह उत्तराखंड के देहरादून में है। कहाँ पर है? देहरादून में ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन का। अगला आता है प्रमुख तीर्थ स्थल अमरनाथ जम्मू कश्मीर में है, हम सभी को पता ही है। अगला आता है विश्व शांति स्तूप कहाँ पर है? विश्व शांति स्तूप कहाँ पर है? तो यह राजगीर में है। कहाँ पर? राजगीर में है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण आता है हेरिटेज होटल है करणी भवन एवं उन्मेद भवन पैलेस, यह किस राज्य में स्थित है? हेरिटेज होटल करणी भवन और उन्मेद भवन पैलेस कहाँ पर स्थित हैं? तो यह राजस्थान के जोधपुर में स्थित विश्व प्रसिद्ध ऐसे हेरिटेज पैलेस के रूप में जाने जाते हैं जहाँ पर भव्य आयोजन किए जाते हैं। अगला आता है हरिहर नाथ का मंदिर किस राज्य में है? हरिहर नाथ का मंदिर कहाँ पर है? तो हरिहर नाथ का मंदिर सोनपुर बिहार में है। कहाँ पर है? सोनपुर बिहार में है। और हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर है? हम सभी ने तो अच्छे से नाम सुना ही है, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है। अगला आता है राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो यह तेलंगाना हैदराबाद में है। कहाँ पर है? हैदराबाद के तेलंगाना में, क्योंकि अब जो हैदराबाद है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की संयुक्त राजधानी है, लेकिन आगे चलकर यह तेलंगाना में डाइवर्ट हो जाएगा। अगला आता है अंत्योदय योजना की शुरुआत सर्वप्रथम किस राज्य से की गई थी? अंत्योदय योजना सर्वप्रथम राजस्थान में शुरू की गई थी। अगला आता है खंडाधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? खंडाधार जलप्रपात उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पर है? उड़ीसा के सुंदरगढ़ में खंडाधार जलप्रपात है। अगला आता है राष्ट्रीय धातु कर्म लेबोरेटरीज, राष्ट्रीय धातु कर्म लेबोरेटरीज झारखंड के किस शहर में स्थित है? तो राष्ट्रीय धातु कर्म लेबोरेटरीज झारखंड के जमशेदपुर में स्थित है। कहाँ पर? जमशेदपुर में। और इसकी स्थापना जमशेद जी टाटा के द्वारा की गई थी और यह टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है। अगला आता है निसर्ग संरक्षण प्रतिष्ठान किस राज्य में स्थित है? निसर्ग संरक्षण संस्थान या प्रतिष्ठान किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। और लास्ट फैक्ट आता है कि रामबाग पैलेस कहाँ पर स्थित है? रामबाग पैलेस कहाँ पर है? तो रामबाग पैलेस राजस्थान की राजधानी जयपुर में है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जिनके बारे में हमने कवर अप किए हैं, जिनके बारे में चर्चा की। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।